झारखंड में बीजेपी के तमाम नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। गिरिडीह के जमुआ विधानसभा के झारखंड धाम के मुरखारी मैदान से अमित शाह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं अमित शाह की यात्रा की तैयारी का जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गिरिडीह पहुँचे। इस मौके पर शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सबके लिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार भी तो दूसरे नेताओं के लिए अनाप शनाप बोलते हैं, तो उनके पास भी ये चीज लौट कर आएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही झारखंड को बनाया था, इसीलिए यहां का विकास भी हमारी पार्टी ही करेगी। परिवार तो सबके लिए अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं, आतंकवादी बोलना सही नहीं है। अरे जो व्यक्ति सबके लिए अनाप शनाप बात बोलते हैं, उनको थोड़ा अपने आप के लिए भी कोई बोलने से थोड़ा सा सहनने का क्षमता होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में वो प्रधानमंत्री जी को क्या बोलते हैं, मौत का सदागर किसने बोला था। तो अगर आपने किसी के लिए अनाप शनाप शब्द का व्यवहार करते हो तो आपका पास भी वही शब्द लौट के आएगा, तो आपको उनके लिए भी तैयार होना चाहिए। सर कल मुख्यमंत्री ने कहा है सर कि गुजरात के जो व्यापारी हैं उनको बांध करके समुद्र में फेंक देना चाहिए। सर क्या ना कौन मना किया है, आपका ही ताकत है, आपका ही पुलिस है, आपका ही प्रशासन है। अगर कोई गलत काम किया है उनको समुद्र में आप फेंक दीजिए, फांसी काट में लटका दीजिए, हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा तो कोई आपत्ति नहीं है। जो भी गलत किया है, जो भी कुछ भी गलत किया है, आप उनको समुद्र में फेंक दीजिए, फांसी काट में लटका दीजिए, हमारा क्या आपत्ति है? लेकिन बोलिए मत, करके दिखाइए। सर हेमंत सोरेन का कहना है सर कि अभी छोटा गिद्ध आ रहा, कुछ दिन बाद बड़ा गिद्ध आएगा, इस पर क्या कहना है? क्या चीज है आसाम से अभी छोटा गिद्ध आ रहा, कुछ दिन बाद बड़ा गिद्ध आएगा? चलो मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मेरे लिए कोई भी टिप्पणी करे मेरा कोई आपत्ति नहीं। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मेरा बारे में इतना बड़ा व्यक्ति ने टिप्पणी किया है, यही मेरे लिए गौरव है। हम थोड़े कहते हैं कि चुनाव आने बाद भाजपा गिद्ध में जैसा घूमने लगते हैं। अरे चुनाव आने से वो नहीं घूम रहा है क्या दिन रात? वो भी तो खुद घूम रहा है दिन रात, तो वो भी मीटिंग कर रहा है। अरे झारखंड बीजेपी ने ही झारखंड को बनाया था और बीजेपी ही झारखंड को बड़ा करेगा। वहीं शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की खबर से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। उन्होंने दावा किया कि परिवर्तन यात्रा से हेमंत सोरेन की सत्ता के बदलाव का दौर शुरू हो जाएगा। शर्मा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होता तो झारखंड में 3 महीने बाद दोबारा चुनाव नहीं कराना पड़ता। साहेबगंज और गिरिडीह जिला में आएगा, परिवर्तन यात्रा का शुरुआत करेगा। मैं आज आके दोनों सभा का जायजा लिया, कार्यकर्ता का उत्साह मैंने अपने आंखों से देखा। दोनों सभा बहुत बढ़िया होगा और ये परिवर्तन यात्रा से ही हेमंत सोरेन का जो सरकार है उनका भी उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाएगा। सर कल हेमंत सोरेन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हेमंत सोरेन ने बयान दिया है कि ये राजस्थान सरकार का ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा सीधा वार है। देखिए जैसे झारखंड में आपने देखा है गर्मी में 6 महीना पहले लोगों ने वोट दिया है, 3 महीना पहले, 3 महीना का बाद दोबारा वोट देने जा रहा है। अगर दोनों चुनाव एक होते थे लोगों का परेशानी नहीं होते थे। बीजेपी आलाकमान किसी भी कीमत पर झारखंड के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस मकसद में बीजेपी के नेता कितने सफल होंगे ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश रजक की रिपोर्ट।